మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టరేట్ లో ధర్నా నిర్వహించారు ప్రజాసత్తా పార్టీ చీఫ్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి. 2005లో పార్లమెంటు చే ఆమోదించబడిన రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు పరచడం లేదని అన్నారు. ప్రజలు తమ సమస్యలపై సంబంధిత శాఖలను సంప్రదించినప్పుడు ఆర్టీఐ యాక్టు ప్రకారం విచారించి 30 రోజులలో సమాచారం అందించవలసి ఉందని, అలాంటిది ఏండ్లు గడిచినా ఏ ఒక్క సమాచారం కూడా అధికారులు ప్రజలకు అందించడం లేదు అన్నారు. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ రెవెన్యూ డివిజన్ అడిషనల్ మేజిస్ట్రేట్ మధుకర్ రెడ్డికి వినతిపత్రం అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాసత్తా పార్టీ ముఖ్య నాయకులు మహమ్మద్ యూసఫ్, శివసాయి రాజ్ గౌడ్, నితీష్ చారి, మహమ్మద్ ఆజాద్ మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. सर ओके सर, वन थिंग इज़ देयर, अगर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारे पास तो ये माइक फैसिलिटी, हमने इंटीमेशन दैट आई विल कीप एनी माइक, सो कलेक्टर साहब से मिलना ही है. सर ठीक है, इंस्पेक्टर साहब ठीक है, इंस्पेक्टर साहब आप जैसे बोल रहे हैं हम वहाँ पे ही बैठ जाएंगे. लेकिन नो सर, नो प्रॉब्लम सर, इट्स माय मॉरल ड्यूटी. आई एम नॉट इन ऑब्जेक्शन, किसी को भी नहीं होना चाहिए, तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉमन आदमी का जो है राइट्स भी डैमेज नहीं होने चाहिए. सर ओके सर, ओके सर, सर दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, विदाउट मीटिंग टू द ऑनरेबल कलेक्टर वी विल नॉट गो फ्रॉम हियर. ठीक है, ओके ओके, राइट. कलेक्टर ऑफिस में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो नहीं दे रहे हैं, अभी तक जो है 2017 से लेके अभी तक इन्फॉर्मेशन जो नहीं दिए, उसके लिए एडिशनल मजिस्ट्रेट मधुकर रेड्डी साहब को मैंने आज एक मेमोरेंडम दिया है. उन्होंने जो है एश्योरेंस दिया है कि मैं इसको क्लियर करके दूंगा. उसके बाद मेमोरेंडम में हमने बताया है कि कलेक्टर साहब, मैचल मलकाजगिरी कलेक्टर साहब पर्सनली व्यूज़ जो हैं, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उनको पर्सनली उनको चेक किया जाए, उसका जो रजिस्टर्स हैं उनको चेक किया जाए. उसके बाद हर मंथली या टू मंथ्स में जो उनके पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है नहीं किया है, उसके बारे में वो चेक किया जाए. उसके बाद जो है जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अच्छा इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन इन टाइम बार पीरियड में जो दे रहे हैं, उनको जो है कलेक्टर साहब अप्रिशिएट और अवार्ड भी देना चाहिए. इस ये सब चीज़ें पकड़ के जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, कॉमन मैन का है, जिसके साथ जो है अभी तक कोई तेलंगाना स्टेट में सही तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दे नहीं रहे हैं. उसके बाद हमारे पार्टी प्रेसिडेंट श्री भानुमूर्ति साहब, जो कि नेशनल अवार्डी हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, उन्होंने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में पेटिशन लिख के दिया. एक आदमी के ऊपर एट्रोसिटी केस बुक हो गया था, DCP राचाकोंडा मलकाजगिरी, उन्होंने जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. उन्होंने लिख के दिया कि इट डज नॉट कम्स इन अंडर RTI एक्ट. हर आदमी को मालूम होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो पता होना चाहिए. ये कॉमन मैन का, एक गरीब से गरीब आदमी का हक है. ही कैन क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट के भाई व्हाट यू आर डूइंग. कलेक्टर ऑफिस के ऊपर एक RTI दिया था जिसमें पूछा था ये रेंटल लैंड में है या प्राइवेट लैंड में है या गवर्नमेंट का लैंड है या कैसे है. तो इसका भी इन्होंने को, जिसका कि मंथली रेंट समथिंग दे आर पेइंग है, उसका एग्रीमेंट कॉपी. अगर ये बिल्डिंग जो है, मुझे मालूम है ये जो बिल्डिंग है किसी हायर पॉलिटिशियंस का है, जो इसका इन्फॉर्मेशन की कलेक्टर ऑफिस से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना. फॉर व्हाट रीजन दे आर नॉट गिविंग. अभी एडिशनल मजिस्ट्रेट रेवेन्यू मधुकर रेड्डी साहब ने एश्योरेंस दिया है दैट ही विल फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल इन द 15 डेज.